पहले जो रोग बुढ़ापे के लक्षण माने जाते थे, वो सभी आजकल युवावस्था में ही लोगों को अपना शिकार बनाते जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है किडनी में पथरी होने की समस्या। जाहिर है, ऐसा होने में कहीं ना कहीं हमारी गलत दिनचर्या और खान पान जिम्मेदार है। लेकिन आयुर्वेद में इस चीज का भी इलाज है कि कैसे आप आयुर्वेद के माध्यम से पथरी जैसे गंभीर समस्या का निवारण कर सकते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका आयुर्वेदार्था में। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ आसान तरीके बताने वाले हैं, जिसमें आप आयुर्वेद के माध्यम से पथरी से राहत पा सकते हैं। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में स्टोन बनने से रोकते हैं। ये तत्व है साइट्रेट, विटामिन B6, मैग्नीशियम आदि। जिन लोगों में ये तत्व कम मात्रा में या नहीं होते हैं, उनमें स्टोन बनने की आशंका बढ़ जाती है। आयुर्वेद के ग्रंथों में लगभग 5000 वर्ष पूर्व से ही किडनी स्टोन यानी व्रक अश्मरी का वर्णन मिलता है, और इसकी सफलतापूर्वक चिकित्सा के लिए औषधियों के साथ साथ शल्य चिकित्सा का भी उल्लेख है। किडनी स्टोन का बेहतर इलाज केवल आयुर्वेद में संभव है। खास बात यह है कि बड़े बड़े यूरोलॉजिस्ट भी इस बीमारी में आयुर्वेद की दवाओं से इलाज करते हैं। सामान्य रूप से 10 mm तक की स्टोन का इलाज औषधियों से आसानी से हो जाता है, लेकिन स्टोन का साइज इससे बड़ा हो तो शल्य क्रिया द्वारा निकाल देना चाहिए। किडनी की पथरी के इलाज के लिए आयुर्वेद में पाषाण भेद या पत्थरचट नाम के पौधे के 5 से 6 पत्ते आधा गिलास पानी में उबाल कर सुबह शाम पीने से लाभ बताया गया है। वरुण आदि क्वात, गोक्षुर आदि गुगुल, पुनर्वा क्वात आदि दवाएं भी बहुत कारगर हैं। गोक्षुरु, तृण पंचमूल, पुनर्वा आदि औषधियों के द्वारा इसमें लाभ मिलता है। इसके साथ ही कुल्थी की दाल भी किडनी स्टोन की समस्या को दूर करने में कारगर है। मगर ये सभी दवाएं आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श से ही इस्तेमाल करें। टमाटर, चुकंदर, अमरूद या पालक कम मात्रा में खाएं। रेड मीट यानी बकरे और अन्य बड़े जानवरों का मांस खाना छोड़ दें या फिर बिल्कुल कम खाएं। अगर बहुत इच्छा हो तो महीने में 1-2 बार से ज़्यादा न खाएं। रोजाना कम से कम 9 से 10 ग्लास पानी पिएं। बीज वाली चीज़ों का सेवन कम मात्रा में करें। इन्हीं तरह की बातों को ध्यान में रखकर और आयुर्वेद के नुस्खे को आजमा कर आप पथरी से राहत पा सकते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही बेल बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।